क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउनलोड के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां आपको इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। क्या आप इंग्लिश बोलने से में हिचकिचाते हैं, या इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है, या आपको इंग्लिश में हीरो बनना चाहते हो? तो आज तो ये कोर्स आपके लिए है, और आज ही आइए और डाउनलोड पर ये कोर्स खरीदिए, इंग्लिश बोलने के अपने सपने को पूरा कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस में। तो जेई मेन फोर्थ अटेम्प्ट में आपको क्या दिक्कत आ रही है, आपको क्या परेशानी आ रही है, मैं पूरी जानकारी आपको बताता हूँ ढंग से। तो आप सभी को पता होगा, सभी वेबसाइट लिख रही है कि जेई मेन फोर्थ अटेम्प्ट का रिजल्ट वो डिक्लेयर कर दिया गया है। जो जो 44 बच्चे हैं उनका 100% आया है, और 18 लोगों का आया है आपका AR1। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अभी तो रिजल्ट आया ही नहीं है, रिजल्ट तो ऑफिशियल वेबसाइट में डिक्लेयर नहीं हुआ, परंतु तो ये कैसे बोल रहे हैं कि इतने लोगों का ये हुआ है, ये हुआ है, रिजल्ट आ गया है, ये क्या न्यूज़ है? तो मैं आपको 100% रियलिटी बताता हूँ हुआ क्या है। देखो ना, रिजल्ट जेई मेन का आपका रिजल्ट आना था आपका 3 AM पर। ठीक है, आप सभी रात सोए भी नहीं होंगे, आप सभी ने वॉच किया होगा वीडियो को। तो 3 AM पर रिजल्ट आना था, परंतु रिजल्ट नहीं आया ऑफिशियल वेबसाइट में, परंतु रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, अनऑफिशियली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। परंतु आपको पता है साइट रिफ्रेश में टाइम लगता है, साइट रिफ्रेश में अगला दिन लगता है, मतलब अगला दिन आपका 10 बजे से लेकर 5 बजे तक एक दिन होता है साइट के थ्रू। ठीक है, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, इंडिया की गवर्नमेंट वेबसाइट होती है, वो आपका 10 AM से 5 PM तक चलती है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो NTE की जो साइट है वो रिफ्रेश नहीं हो पाई है, NTE की साइट वो रिफ्रेश नहीं हुई है, रिजल्ट आउट हो गया है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है ऑफिशियली, परंतु आपका ऑफिशियल वेबसाइट सर्वर 1 और सर्वर 2 के जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। ये तभी नहीं दिख रहा है क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो आपका 10 बजे आएगा। ठीक है, मैं तो 10 बजे से 5 बजे, ठीक है, तो 10 बजे तक आपकी साइट वो रिफ्रेश हो जाएगी, साइट रिफ्रेश होगी तो आपका रिजल्ट अपलोड हो जाएगा। रिजल्ट तो आ गया परंतु अपलोड नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप जेई मेन के स्टूडेंट्स आपको समझा रहा क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो 10 बजे तक आपकी साइट रिफ्रेश होगी, उसके बाद आपका रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।